जैसे ही ये ऐलान किया गया, पूरी दुनिया इसकी कीमती अजमत और विजन को देखकर हैरान रह गई। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान का जमीन पर सबसे ज्यादा एम्बिशियस मंसूबा है। नियोम को इंसानियत का अगला बाप करार दिया गया है। अक्टूबर 2017 में एमबीएस ने एक नए मुस्तकबिल के लिए अपने विजन का इंकशाफ किया। नियोम 170 किलोमीटर अराजी पर फैला होगा, ना कारें होंगी ना सड़कें। जी हाँ, दुनिया के सबसे ज्यादा इनकलाबी शहरों और मनाजिल को शुरू और तोड़ते हुए नियोम वो तामीर कर रहा है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। तो सवाल ये है कि ये नियोम शहर क्या है? नियोम एक बहुत बड़ा शहर है जो रेड सी से तबोक शहर तक फैला हुआ है, और इस मंसूबे की खासियत ये है कि ये शहर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा लेकिन 170 किलोमीटर लंबा और सताए समंदर से 500 मीटर बुलंद होगा। और नियोम आखिरकार 9 मिलियन अफराद को एडजस्ट करेगा और इसे सिर्फ 34 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर बनाया जाएगा, और इस शहर की खसूसियात आपके दिमाग को उड़ा देगी। नंबर एक, तमाम जरूरी रोजमर्रा की जरूरियातें शहर के किसी भी कोने से पैदल चलने के 5 मिनट में पूरी की जा सकती हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा, और मकसद यह है कि शहर में कारें जीरो हो जाएंगी। नंबर टू, सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बगैर किसी रुकावट के मस्नूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। नंबर थ्री, इसमें कोई सड़कें नहीं होंगी ना कारें होंगी, कोई पॉल्यूशंस नहीं होगा, और ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी के जराए पर चलेगा। और आखिर में नियोम 600,000 टन से ज्यादा पायदार खुराक तैयार करेगा ताकि सऊदियों को खुराक में खुद कफालत हासिल करने में मदद मिले। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कोई सहरा के बीच में शहर क्यों बनाएगा? तो इस मंसूबे के पीछे असल में क्या सोच है? पहला और शायद सबसे अहम अंसर इसका जुग्राफिया है, लिहाजा आप देखते हैं नियोम शहर सऊदी अरब के रेड सी के साहिल के साथ वाकिया होगा। खलीज उकबा के खूबसूरत नज़ारों में और सुइस किनाल के करीब जहां समंदरी तिजारती रास्ते मौजूद हैं, और ये कोई आम जगह नहीं, ये अब तक दुनिया के सबसे कीमती मकामात में से एक है। क्यों? क्योंकि 2021 तक पूरी आलमी तिजारत का तकरीबन 12% सुइस नहर से गुजरा, और ये तमाम आलमी कंटेनर्स ट्रैफिक का 30% और सालाना $1 ट्रिलियन मालियत के सामान की नुमाइंदगी करता है। यह मकाम तीन बड़े आजमों के मरकज में आता है जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि नियोम सिटी एक ऐसे स्ट्रेटेजिक मकाम पर वाकिया है कि दुनिया की 70% आबादी 8 घंटे की प्रवास के जरिए इस तक पहुंच सकती है, यानी यही चीज इसे एयर ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के लिए बेहतरीन मकाम बनाती है। लिहाजा जैसे जैसे तेल की कीमत मजीद गिरेगी और हवाबाजी का ईंधन सस्ता होगा, हवाई कार्गो सस्ता होता चला जाएगा। इसलिए अगर वो हवाई ट्रैफिक में सवार हुए और इनका इंतजार करने के लिए एक आला दर्जे की सहूलत तैयार करते हैं तो ये सऊदी अरब के लिए आमदनी का एक बहुत ठोस सिलसिला साबित होगा। ये वो जगह है जहां हमारे पास नियोम एयरपोर्ट बनाया गया जो पहले ही खोल दिया गया है। तो हम नियोम के इलाके की टोपोग्राफी और आबो हवा की खसूसियत कदीम फितरत के ड्रामाई पहाड़ी पस मंजर का एक अनोखा मिक्सचर रखती है। किसी रुकावट के साहिली पट्टी के साथ दिल फरेब साहिल और मरजान की चट्टाने, कई शानदार जजीरे, पुरामन सहरा, रेड सी की हवाएं, ये सब खलीज उकबा और रेड सी के खूबसूरत नज़ारे हैं। यही वो चीज़ है जो नियोम सिटी को दुनिया के सबसे कीमती सियाहती मकामात में से एक बनाती है, बशर्तिया टूरिस्ट का माहौलियाती निज़ाम कायम हो। और यही वजह है कि हमारे पास रोजाना प्रोजेक्ट भी है, और ये मीठे पानी की एक झील के साथ साथ सियाहती स्पॉट भी होगा। इसके ऊपरी हिस्से में रोजाना के पास
कुदरती जखायर, पहाड़ी पैदल सफर के रास्ते और यहाँ तक के वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे जो मीठे पानी की इस झील पर दस्तयाब होंगे। और फिर हमारे पास किबिया प्रोजेक्ट भी है और ये मनसूबा तफरी के बारे में है। इसमें सिक्स फ्लैग थीम पार्क, गोल्फ कोर्स, आर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ तक के दुनिया के सबसे बड़े वाटर थीम पार्क्स भी हैं। इस तरह इनके पास जीरा टावर भी आ रहा है जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होगी और ये उस इमारत का रिकॉर्ड तोड़ देगी। नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। खवातीन हज़रात, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।